साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गौतम बुद्ध नगर में जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम होना है। वहीं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। आधारशिला कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और पूरे कार्यक्रम स्थल को एसपीजी ने अपने हैंडओवर में ले लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, साथ ही भव्य तरीके से मंच को सजाया भी गया है। मंच को सजाने में 20 क्विंटल फूलों की लड़ियां लगाई जा रही है ताकि मंच को भव्य और खूबसूरत बनाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि वीवीआईपी और पार्टी के नेताओं के बैठने के लिए खास व्यवस्था भी की गई है ताकि उनको कार्यक्रम के दौरान कोई दिक्कत ना हो सके। इसके साथ ही आम जनता के लिए भी बेहतर तैयारी की गई है। हर जिले के लिए अलग अलग से ब्लॉक बनाए गए हैं ताकि उन ब्लॉक में उन जिले के लोग बैठ सके। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे जनसभा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं और आम जनता को जनसभा में आने के लिए 20 द्वार तैयार किए गए हैं ताकि जनसभा में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी 10 पार्किंग स्थल तैयार कर दिए गए हैं जिसमें मीडिया पार्किंग स्थल से लेकर वीवीआईपी पार्किंग स्थल भी शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जेवर एयरपोर्ट दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के बनने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव काफी कम हो जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरे होने की उम्मीद जो है वो साल 2024 तक की जा रही है कि पहले चरण जो है वो 2024 तक हो जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि पहले चरण में 10,050 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि पहले चरण के पूरे होने पर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की हो सकती है। तो यानी कि आज जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। 1 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। चुनाव से पहले ये यूपी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेश, आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा सकती हैं अभी? देखिए बिल्कुल, आज गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसको लेकर के देखिए तैयारियां पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल रही हैं, युद्ध स्तर से तैयारियां चल रही थी। अब जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं क्योंकि आज जनसभा होनी है। सुबह से ही यहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। 5,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। इसके अलावा अगर हम मंच की बात करें तो मंच को बड़े ही भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। 12 फीट जो ऊंचा ये मंच है क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी वहां से बोलेंगे अपने नेता को देखने के लिए जो लोग आएंगे वो उनको दूर से देख सकें। और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 1.5 लाख से 2.5 लाख तक जो लोग हैं वो इस जनसभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य बड़े कई नेता जो भाजपा के हैं वो मौजूद वहां पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है कि वो 11:20 पर दिल्ली से हेलीकॉप्टर से जेवर के लिए रवाना होंगे और 11:50 पर वो हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 12 बजे वो वहां पहुंच के 12 से और 1 बजे तक का जो कार्यक्रम है शिलान्यास और वो जनसभा है उसको वो संबोधित करेंगे। इसको लेकर देखिए भाजपा ने भी तैयारियां जो है बड़े स्तर पर की है। इसके अलावा जो प्रशासन है वो भी बड़ा मुस्तैद है, उसकी तरफ से तैयारियां की गई है क्योंकि पुलिस की अगर हम बात करें तो साफ तौर पे करीब अलग अलग जगह पर पार्किंग बनाई गई है क्योंकि कई जनसभा में होता है भीड़ ज्यादा आने के कारण पार्किंग में गाड़ियां इधर से उधर लगाई जाती हैं, रोड पर लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अलग तरह की व्यवस्था है। अगर बुलंदशहर से काफी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है तो बुलंदशहर की तरफ ही उनकी पार्किंग बनाई गई है। लोगों को हालांकि ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर मैं बात करूं सुरक्षा व्यवस्था की तो 5,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरा जो हेलीपैड का एरिया हो चाहे जनसभा जो होनी है मंच के पीछे का एरिया उसको एसपीजी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। वहां पर केवल जो चुनिंदा लोग हैं उनकी एंट्री है, इसके अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जाए एक आज गौतम बुद्ध नगर के लिए बड़ा ही
भव्य दिन है क्योंकि आज दिल्ली के दिल्ली एनसीआर में दूसरा जो एक एयरपोर्ट है उसका ये शिलान्यास होने वाला है। बिल्कुल भूपेश, और भव्य दिन तो है, साथ ही साथ ये चुनाव से पहले जनता को, यूपी की जनता को बड़ी सौगात तो मिली रही है, और जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं वहां पर तैयारियां जो जोरों शोरों से की जा रही है, वहां पर बड़े बड़े पीएम मोदी के होर्डिंग्स तक लगाए जा रहे हैं, साथ ही जिस तरह से आप भी लगातार बता रहे हैं कि तैयारियां पिछले काफी दिनों से चल रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परसों पहुंचे थे कि कोई कमी इस कार्यक्रम में ना रह जाए, इसका ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तब से ही एयरपोर्ट को गति मिली थी, वरना बातें पहले से चल रही थी, लंबे समय से इंतजार था, करीब 20 वर्ष की ये मेहनत है जिसका आज इंतजार खत्म होने जा रहा है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तब से लगातार इस पर काम शुरू हुआ, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह हो या सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हो, इन दोनों की ये मेहनत है और यहाँ के लोगों की भी, और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, देखिए कार्यक्रम बड़ा ही भव्य है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री परसों पहुंचे थे उन्होंने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था, उन्होंने मंच का भी जायजा लिया था कि मंच किस तरह से बनाना है, और जो प्रभारी मंत्री हैं गौतम बुद्ध नगर के और केंद्रीय मंत्री जय प्रताप सिंह वो लगातार यहीं पर डेरा डाले हुए हैं पिछले 6 दिन से, इसके अलावा मोहित बेनीवाल यहीं पर मौजूद हैं जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो कुल मिला के कहा जाए तो भाजपा की तरफ से देखिए इस जनसभा को एक सफल आयोजन कराया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि चुनावों से पहले इस तरह की जनसभा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में इतनी बड़ी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार लगाया जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं भाजपा से, तो उनको साधने की भी एक कोशिश होगी, और गौतम बुद्ध नगर में भी जो आम लोग हैं चाहे जो किसान, क्योंकि वो जो पूरा एरिया जेवर का एरिया है वहां भारी संख्या में किसान रहते हैं और जाट वोटर भी उत्तर की तरफ रहते हैं, तो कई चीजों को प्रधानमंत्री एक मंच से अवसाद देंगे। जी चलिए ठीक है भूपेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जेवर, और ऐसे में भव्य कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से रखा गया है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम करीब 12 बजे से शुरू होगा, 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर आज बीजेपी के डेरा डालने वाले हैं।